नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, आज की खबर कल इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो को लेकर, वसई विरार की राजनीति में एक बड़ा प्रभाव रखने वाले शख्स कैलाश पाटिल, अग्रसेना के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष, उनके खिलाफ कल सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट वायरल हुआ, एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो के क्या मायने हैं, ये आज की खबर का विषय है। दरअसल उस वीडियो में ऐसा दिखाया गया है, और उसके साथ जो पोस्ट है उसमें ऐसा बताया गया है कि कैलाश पाटिल ने वाड़ी गांव में काम रस्ते का काम कर रहे कॉन्ट्रैक्टर को काम रोक दिया और उससे पैसे की मांग की, ऐसा आरोप लगा। कैलाश पाटिल का अकेले का नाम नहीं था उसमें, कैलाश पाटिल के साथ में उनके सहयोगी जयेश पाटिल और भी बहुत से लोग थे, उनके सबके नाम थे। और वो पोस्ट काफी वायरल हुई, उसमें वीडियोस भी है, आप तस्वीरों में वीडियो में देखेंगे वो वीडियोस भी है। अब इसमें सच्चाई क्या है, ये कह पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर कहीं कुछ मामला होता है तो उस पे पत्रकार होने के नाते हमारा ये फर्ज है कि हम उस पक्ष से इस पूरे मामले की प्रतिक्रिया लें। हमने कैलाश पाटिल से संपर्क किया और कैलाश पाटिल ने तो हालांकि कैमरे के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी ओर से उनके जो लोग थे जिनका नाम इसमें उछाला गया, जयेश पाटिल और बाकी लोग, उन्होंने बकायदा इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए अपना पक्ष रखा। वो वीडियो भी आप देखेंगे। अपने पक्ष में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरह से कैलाश पाटिल का नाम आज वसई विरार में बढ़ते चला जा रहा है, उस हिसाब से उनके खिलाफ ये साजिश की गई है। और एक बात बातों बातों में एक बात जो है वो प्रमुखता से उन्होंने ये कही कि अगर कैलाश पाटिल ने पैसों की डिमांड की, जो आरोप लगाया गया खंडनी का, तो उसमें दो अहम बिंदु। पहला ये बिंदु कि ये बात उस कॉन्ट्रैक्टर ने क्यों नहीं कही। वो जो वीडियो में दिखाई दे रहा है कम उम्र का लड़का, इनका कहना, अग्रसेना का ये कहना था कि वो कम उम्र का जो लड़का वीडियो में दिखाई दे रहा है, उसको कैसे मालूम कि पैसे की डिमांड की गई। अगर पैसे की डिमांड की गई तो कॉन्ट्रैक्टर को ये कंप्लेन करनी चाहिए थी। और दूसरा बिंदु, अग्रसेना ने ये कहा कि जब ये मामला खंडनी का आरोप लग रहा है तो खंडनी की FIR क्यों दर्ज नहीं करवाई गई। कहीं ना कहीं अग्रसेना का बयान आगे देखेंगे, सुनेंगे, लेकिन इस मामले ने कुछ ऐसी चीजों को उजागर जरूर किया है कि जहां अभी तक मामले में ज्यादा कुछ कहा जाना सही नहीं है। अग्रसेना ने एक इशारा और भी दिया है कि वो कानूनी कार्रवाई करते हुए इस तरह के मैसेज वायरल करने वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगी, उनके खिलाफ मानहानि का दावा तक दायर करेगी। वीडियो में और भी कई आरोप लगे थे, उन आरोप जो पोस्ट वायरल हुई उसमें भी कई आरोप लगे हैं। उन आरोपों का भी अग्रसेना ने बड़े ही सरलता से जवाब देते हुए ये तक कहा कि हमने प्रॉपर चैनल से ये सब कुछ किया है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से अग्रसेना का प्रभाव बढ़ रहा है उसको देखकर विरोधियों ने ये साजिशन करवाया है। एक बार की अग्रसेना का ये कहना है कि जिन लोगों ने ये किया है वो उन्हीं के समाज के हैं, इसके लिए वो नहीं चाहते कि उनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई करे कि कहीं ना कहीं समाज में उनको तकलीफ आए। लेकिन इसके बावजूद ये सब मामला कल से वसई विरार में काफी चर्चित रहा है। तो देखिए इस मामले पर अग्रसेना का पक्ष और वायरल हुआ वीडियो। नमस्कार, आपण हा रस्ता 2019 प्रस्ताव दिलेला मेडी टाइमला माझ्या नावाने डहाणू सेवा संस्था विरार यांच्या नावाने, तर आपण
क्रेडिट आईला विनंती केली की आम्हाला रस्ता मंजूर करून द्यावा, तर आम्ही हा रस्ता मंजूर करून दिला 2 वर्षात आणि आज काम चालू झालं 2 वर्षानंतर. तर हा प्रफुलभाई उपसरपंच माझी, आपण रस्त्याला विरोध करतो. शेतकरी मेडिटाईनचे अधिकारी शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतलं, गावात आले मेडिटाईनचे अधिकारी की तुम्हाला रस्ता पाहिजे का, ते बोलले हो रस्ता पाहिजे. तर ते बोलले शेतकरी देतील का, हो देतील, गावासाठी देतील, गावकरी जातील आणि येण्या जाण्याची सोय सुविधा होईल. तर हा प्रफुल्ल भोईर कैलास पाटील अग्निसेनेचे महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष आहेत, त्यांना भेटले. ते 3 महिने झाले मेडिटाईनच्या अधिकाऱ्यांना त्रास देतात, काम बंद करा, काम बंद करा. आम्ही गावकरी बोलले काम बंद करायचं नाही. आणि प्रफुल्ल भोईर हा कॉन्ट्रॅक्टरला फोन करतो, पैसे द्या की मला पैसे द्या, माझ्या गावात काम आले, तुम्ही असं दगड वापरतात तसं दगड वापरतात, हा येत नाही. फक्त हा फोनवर बोलतो, गावकऱ्यांच्या मिटिंगा होतात रस्त्यासाठी तिकडे येत नाही हा. तर आज प्रफुल्ल भोईर कैलास पाटीलला घेऊन आलेला या रस्त्यावर आणि प्रफुल्ल भोईरने मला मारहाण केली की बोलते तू जास्त बोलायचं नाही, माझी कॉलर धरली की बोलते चुकीचं काम करतात. मी बोललो गावकऱ्यांना विश्वासात घेताना तू कुठे होता, तेव्हा हा नव्हता. तर माझी एकच विनंती आहे प्रशासनाला की आमच्या गावाला न्याय द्या, आमचा रस्ता बंद करेल त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करा. कैलास पाटील व प्रफुल्ल भोईरवर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. बड़ी तेजी से एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें कुछ वीडियो व टेक्स्ट मैसेज जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि आगरी सेना के कैलाश पाटील व जयेश पाटील तथा सहयोगियों ने ठेकेदार से खंडनी की मांग की, क्या सही बात? नमस्ते, बात कैसी है कि वाडीव गांव जो वैद्यनाथ के यहाँ पे गांव है, एक दुर्लक्षित गांव है. आज तक वहाँ पे कोई मदद मिली नहीं है शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से. तो बड़े मशक्कत के बाद में मैरीटाइम बोर्ड ने 2.25 करोड़ रुपए दे के एक रोड उन्होंने जो जेट्टी से एक्सटेंड रोड है वो पास किया है. वो रोड पास करते समय अपना यही मांग था, कुछ गांव के ग्रामस्थ आए थे अपने पास, वो बोल रहे थे कि काका ये जो काम हो रहा है गांव के कुछ लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कॉन्ट्रैक्ट की सब कॉन्ट्रैक्ट कुछ लिया है और वो स्पेसिफिक काम क्वालिटी का नहीं कर रहे, तो काका आप इसके ऊपर ध्यान दो. तो उन्होंने आने के बाद मैरीटाइम बोर्ड के जो इंजीनियर है देवरे साहब और बाकी जो डिप्टी इंजीनियर है कलेक्टर साहब है उनको सबको पत्र व्यवहार किया. 25 मार्च शुक्रवार को पत्र व्यवहार करे, उनको यही बोला कि काम जो आप कर रहे हो वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से करो और काम स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होना चाहिए. उन्होंने खामियां है, खामियां बोले तो काम जो उन्होंने दिया है डिगिंग मतलब वो खुदाई करके ये होना चाहिए, सोलिंग होनी चाहिए, लेकिन खुदाई करें ऐसे ही डंपिंग कर रहे और 23 के 27 mm इसके हिसाब से वो होनी चाहिए, लेकिन ये लोग ऐसे ही डंप कर रहे. ये रोड जो कर रहे हैं 2.25 ये रोड एक साल भी टिकेगा नहीं. अपनी यही मांगे कि क्वालिटी के हिसाब से काम करो. लेकिन मैसेज व वीडियो के मैसेज आरोप लगाए गए हैं, कौन है कैलाश का? इन सब का भ्रष्टाचार बार बार उजागर करते आए हैं. कैलाश का कोई मुद्दा इनके ये नहीं मिल रहा है. एक अभी हाल ही के बाद है, एक 15 मार्च को कैलाश के खिलाफ एक रिट पिटीशन हाईकोर्ट में दाखिल की अनिकेत वाडीवकर ने. ये जो अनिकेत वाडीवकर है यही मैसेज यही सब प्रोपोगंडा फैलाता है, यही बुराई करता है. इन्होंने एक हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की है 15 मार्च को कैलाश के संबंध में. तो उल्टा कैलाश सरकार ने पुलिस प्रशासन और महानगर पालिका के जो आयुक्त साहब है उनको लेटर दिया है कि साहब इसमें इन्वेस्टिगेशन करो, अगर मैं दोषी रहूंगा तो मुझे जेल के अंदर डालो, नहीं तो ये जो झूठा प्रोपोगंडा कर रहा है अनिकेत वाडीवकर इसको इसकी उलट कार्रवाई करो. ये जो अनिकेत वाडीवकर है इसने एक बिल्डर है बारिया करके, ये बारिया बिल्डर के पास से एक दिन में कैश ट्रांजेक्शन से 90 लाख रुपया कैश ट्रांजेक्शन दिखा के 4 फ्लैट लिया है. आपको चाहिए तो मैं उसका आपको इंडेक्स टू भी देता हूँ, डॉक्यूमेंट देता हूँ. अनिकेत वाडीवकर और अनिकेत वाडीवकर के यही अनिकेत वाडीवकर बार बार इधर कैलाश का नहीं मिल रहे, इसके लिए इसको हायर किया गया है. एक भाड़े का टट्टू है, मतलब दो पैसे जो बोलते हैं ना वो 2 पैसे का रखा हुआ टट्टू है. आपने ऐसा बोला वो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन जो वीडियो में दिखाई दे रहा है जो जगह की परिस्थिति है वो परिस्थिति क्या उसके बारे में थोड़ा? हाँ, तो हम लोग जब साइट विजिट करने के लिए गए थे तो हम लोग साइट विजिट कर रहे थे तो हम लोग ने उदाहरण से एक भी किया. उनका कहना था कि वो जो गांव के कुछ 4-5 बच्चे आए थे दारू वगैरह पी के और गाली गलौज कर रहे थे, अगर वो गाली गलौज करेंगे तो अपन गाली गलौज करना सही बात नहीं है. अपना मांग यही है कि काम जो है स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होना चाहिए, यही अपनी मांग है. अभी वो अपने ही बच्चे कल गाली दिया है और आज अभी
जिस तरह से आप पर आरोप लगाया है, संयोजित प्लान के तहत कई अन्य आरोप भी लगाए गए हैं, उस आरोप का जवाब देने के लिए आपका अगला कदम क्या है? अभी कैसा है कि उसमें मैसेज में लिखा गया है कि कॉन्ट्रैक्टर पैसा मांग रहा है, कॉन्ट्रैक्टर के पास से हम लोग ने पैसा मांगा है। अगर कॉन्ट्रैक्टर के पास से हम लोग ने पैसा मांगा है तो कॉन्ट्रैक्टर से कंप्लेन करो ना, आज तक कॉन्ट्रैक्टर ने कहाँ पे कंप्लेन की है? और अगर पैसा लेना रहता है तो कॉन्ट्रैक्टर इधर आके गए ना, इधर आके गया काका के पैर पड़ के गया कि काका काम मत बंद करो, लेकिन काका ने उनको यही बोला कि आप जो काम कर रहे हो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम करो, उसमें गलत क्या बोला? और जो मैसेज में वायरल कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर के पास से पैसा लिए इन लोग ने, तो वो कॉन्ट्रैक्टर खुद आए और बोले कि कैलाश पटेल ने पैसा मांगा है कि आगरी सेना के किसी पदाधिकारी ने पैसा मांगा है, कॉन्ट्रैक्टर खुद बोले ना, झूठा प्रोपेगंडा मलने में मतलब नहीं, जो काम कर रहा है उसके पैर खींच रहे हो। एक इस मामले में कहीं ना कहीं पार्टी की नाम की भी बदनामी हुई है, क्योंकि जो मैसेज का शुरुआत है वो यहीं से है कि आगरी सेना के कैलाश पटेल बदनाम नहीं होते तो कहाँ पे आगरी सेना का जाके बदनाम करने का, यही इनका काम है। लेकिन बिरार में ही आगरी सेना के दो धड़े हैं। नहीं, ऐसा किसने बोला? आगरी सेना की पालघर जिला कार्यकारिणी बर्खास्त की गई और उसके पूरे राइट जो है वो कैलाश शर्मा को दिए गए। वो हिसाब से अभी संगठन का काम चालू है, संगठन का पुनर्मान्य अभी कर रहे हो, दो जिलाध्यक्ष आगे के इसमें दो जिलाध्यक्ष रहेंगे, एक ग्रामीण विभाग का जिलाध्यक्ष रहेगा, एक शहरी विभाग का जिलाध्यक्ष रहेगा, अभी पद पे कोई नहीं है। फिर अभी पूरा जो राइट है सलवी साहब ने कैलाश शर्मा को दिए हुए और इस हिसाब से संगठन का पुनर्गठन हो रहा है। देखिए, अभी कल हम डिफेमेशन का केस फाइल कर रहे हैं कंसर्न पुलिस स्टेशन में और साइबर क्राइम्स में, तो उसके ऊपर पुलिस लोगों को इंक्वायरी करनी ही पड़ेगी। अगर उन्होंने नहीं की तो हम कोर्ट में जाके 156(3) CRPC के नीचे हम दावा फाइल करेंगे और उसके बाद जो कार्रवाई कोर्ट आदेश करेंगे वो उसके मुताबिक उनके ऊपर कार्रवाई होगी। डिफेमेशन का किस तरह का? डिफेमेशन का आपराधिक मामला दर्ज करेंगे आप या नहीं? डिफेमेशन बोल तो बदनामी, आपराधिक करेंगे आप सिविल? नहीं, आपराधिक क्रिमिनल, ये क्रिमिनल ऑफेंस है सेक्शन 500 के नीचे। डिफेमेशन में कोर्ट में केस फाइल करना पड़ता है, उसके बाद में कोर्ट आदेश करता है, उसके बाद में इंक्वायरी चालू होती है। तो हम लोग पहले डिफेमेशन फाइल करेंगे और डिफेमेशन प्रूव होने के बाद मेंटली हरेसमेंट का दावा दाखिल करेंगे कंपेंसेशन के लिए। उन मैसेज वायरल करने वालों के खिलाफ आप क्या कानूनी एक्शन लेने वाले? एक्शन का एक्शन हम लोग ने लिया हुआ है उसके ऊपर, और उनको पता चलेगा जिन्होंने गलत मैसेज जो वायरल किया हुआ है। और दो चार लड़के जो है वाड़ी गांव के, कम से कम 25-30 लड़कों ने साइन, गांव के जो लोग है उन्होंने साइन करके हमारे पास दिया है कि ये काम पूरा गलत तरीके से हो रहा है और काका ही इसके ऊपर एक्शन ले सकते, क्योंकि आज तक जिधर भी कुछ काम हुआ है गलत उधर काका ने ही ऑब्जेक्शन लिया है और उसके ऊपर इन लोग को दारू पी के चांस मिला तो उन्होंने जानबूझ के गलत वीडियो वायरल किया। ये जो सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हो रहा है उसमें स्पेसिफाई ऐसा भी लिखा हुआ है कि उमर कंपाउंड के मामले में भी कैलाश पाटिल साहब ने कुछ पैसे है। कुछ पैसे नहीं, 50 लाख रुपए लिए, ऐसा मैसेज वायरल हो रहा है उमर कंपाउंड के लिए। अभी जो नए कमिश्नर आए हैं, कमिश्नर साहब अनिल पवार जी साहब, जब भी हम लोग ने पहली बार उनसे मुलाकात की तभी साहब को यही बोला कि साहब पहले उमर कंपाउंड आप डिमोलिश करो। उमर कंपाउंड डिमोलिश करने के लिए कमिश्नर रहेंगे, एडिशनल कमिश्नर रहेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर रहेंगे, उनको बार बार फॉलोअप किया जा रहा है कि उमर कंपाउंड डिमोलिश करो। उमर कंपाउंड डिमोलिश करने का पूरा जो जिम्मा है वो प्रशासन के हाथ में, अगर हमारे हाथ में रहता तो मैं कल जाके कि आज जाके उमर कंपाउंड डिमोलिश करता। और इसके लिए अगर बार बार प्रशासन से फॉलोअप करने के बाद भी उमर कंपाउंड नहीं टूटेगा तो इसके लिए हम लोग आगरी सेना एक मोर्चा निकालेंगे कमिश्नर साहब के कार्यालय पे कि उमर कंपाउंड आप जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग इधर से हिलेंगे नहीं। और इसमें आपसे हाथ जोड़ के, आपसे सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब जन इधर आ जाओ और हम लोग को सपोर्ट करो। जो इलीगल हो रहा है उसके लिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसके लिए लोकशाही का चौथा स्तंभ करके आपका जो साथ है वो हमको मिलना चाहिए। एक रिक्वेस्ट है आपसे।
हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।